राजनी मोरगांव तहसील में प्रतापगढ़ पहाड़ी पर स्थित भगवान शिव की प्रतिमा खंडित हो गई है। यह घटना 25 जुलाई की रात घटी। दूसरे दिन 26 जुलाई को इसकी जानकारी आग की तरह फैल गई। घटना को लेकर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस व फाइबर होने के साथ साथ इसके बाजू में लोहे का बड़ा त्रिशूल रखा होने व जिस तरह मूर्ति ऊपर से जली दिखाई दे रही है उससे बिजली गिरने पर मूर्ति जलने का प्राथमिक अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि अर्जुनी मोरगांव तहसील में 25 जुलाई को शाम से बादल छाए हुए थे और परिसर के मोहगांव मंडल में अतिवृष्टि 68.60 मिमी व केशोरी मंडल में 55.40 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह संपूर्ण अर्जुनी मोरगांव तहसील में 58.88 मिमी बारिश हुई है। घटना की सूचना मिलते ही उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थल पर जांच करने पहुंच गए। जांच के बाद ही सही स्थिति सामने आ सकेगी। फिलहाल परिसर में पुलिस का समुचित बंदोबस्त किया गया है। सांसद सुनील मेंढे, जिलाधीश डॉक्टर कादंबरी बलकौड़े व पुलिस अधीक्षक मंगेश शिंदे भी प्रतापगढ़ घटनास्थल पर पहुंचे। ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ को प्रस्ताव लेकर उक्त मूर्ति विसर्जित कर उस स्थान पर नई मूर्ति की स्थापित करने चर्चा की गई। सांसद मेंढे ने वहां नई मूर्ति के सांसद निधि से 10 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। इसके पूर्व तत्कालीन पालक मंत्री राजकुमार बडोले ने भी घटनास्थल पर पहुंचे। जिलाधीश को विस्तृत जानकारी दी गई।